आई होप कि आप ठीक होंगे। ASJT में TV में एक दफ़ा अगेन वेलकम करता हूँ। तो आज हम आपको ऐसी शॉप पे लेके आए हैं जिधर आपको बड़े खूबसूरत, आपको दिख भी रहा होगा, अंदाज़ा हो गया होगा, बड़े खूबसूरत किस्म के फ्रेम डेकोरेशन पीसेज जो घर में, ऑफिस के लिए और भी ऐसी जो अपने हॉल वगैरह घर के अंदर जो हॉल हैं, फिर सीढ़ियों के ऊपर लोगों ने लगाए रखते हो, बड़े प्यारे खूबसूरत लगे होते हैं, जिसमें आ जाती हैं हैंड पेंटिंग भी आ जाती है और इसके अलावा मशीन के साथ भी, और इस्लामिक भी आ जाते हैं, कुछ जो है हिस्ट्री के रिलेटेड पेंटिंग आ जाती हैं, जिस तरह की ये चीज़ें हैं ये आप देख सकते हैं। और मज़ीद इस तरह की जो चीज़ें हैं डिटेल के साथ आपको भाईजान से मिलवाते हैं, उनसे रेट पूछते हैं क्या रेट्स दे रहे हैं, और ये होल सेल रेट पे आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। लाहौर के अंदर जो अनारकली बाज़ार है उसके एंटर होते ही ये शॉप है, और एड्रेस वगैरह भी सारा। तो देखते रहिए, हमारे साथ रहिए। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। थोड़ी सी आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है, सपोर्ट के तौर पर और आपको, ताकि जो इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहें। तो देखते हैं और रेट वगैरह जानते हैं, पूछते हैं। जी ये इसमें कलीन लगा हुआ है, ईरानी कलीन, उसके अलावा ये तलवार हो गई, उसके अलावा ये गन्स हो गई, ये बीच में जो पोस्टर लगा हुआ है। अच्छा। बाकी तिल्ला और मुख्तलिफ जो चीज़ें वगैरह होती हैं, हर चीज़ हैंडीक्राफ्ट में अगर जिस तरह आ जाता है कि कैलीग्राफीज वगैरह हो गई, कैलीग्राफी के अलावा दूसरी जो कहते हैं ऑयल पेंटिंग और वाटर बेस्ड पेंटिंग वगैरह, हर चीज़ हमसे मिल जाएगी आपको। थ्री डी श्री डी हर चीज़ वो मिल जाएगी आपको। तो आप स्टार्ट लें और थोड़ा सा बता दें नाज़रीन को कौन कौन सी चीज़ किस रेट पे आज जरा। ये तो वैसे हमारा डिस्प्ले हमने अपने लिए लगाया हुआ है, वैसे आपको ये मॉडलिंग आपको बंडल मिल जाएंगे। ये देखें, ये वैसे फ्रेम जो हमने बनाया हुआ है, इसका हमने बड़ा बनाया हुआ है। अच्छा। ये 3.5 फुट तकरीबन 4 फुट इसका साइज है बाइट बाइट से। अच्छा। तो ये तकरीबन 8000 की है। 8000। आप ऑनलाइन वगैरह भी सेल करते हैं? ऑनलाइन हमारा दरअसल व्हाट्सएप पे काम है, वीचैट पे काम है। अच्छा, मतलब व्हाट्सएप पे कोई कैटलॉग वगैरह होगा मुकम्मल? देखें, गिलगित से लेके कराची तक और बाकी जो अरब अमारात इस तरह के जो कहते हैं ममालिक ना, उधर हमारा माल जा रहा है, यहाँ तक के मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड भी हमारा सामान जाता है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो आप बताते हैं थोड़ा सा, ताकि जो सबसे ज़्यादा आइटम जो कॉमन में या ज़्यादा सेल होती है ट्रेंड में, वो ज़रा बता देना जिनको अंदाज़ा हो जाए। हर जगह के हिसाब से ना वो हर चीज़ की अलग अलग कहते हैं डिमांड की है। हाँ, अरे देखिए, अब ये लोअर है, अगर आप यहाँ पे कुछ कहते हैं कोई मॉडल टाउन DHA वगैरह सभी साइड से आएंगे तो वो इस तरह की चीज़ मांगेंगे, चाइना की गन है, बीच में पोस्टर लगा हुआ है, सही है, वो हिस्ट्री को ये प्ले, हाँ वो हिस्ट्री को करेंगे, एंटीक पीस को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ये हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। नाज़रीन आप देखें, बड़ी खूबसूरत सी ये फ्रेमिंग हुई है। तो ये इसका क्या रेट है? ये भाईजान वैसे 3500 है, मगर अगर कोई दुकानदार हजरात हमसे रब्ता करना चाहेंगे तो उनको ये गन और ये मॉडलिंग की, ये कहते हैं मोन शीट की, पेपर की, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी थोक भी प्राइस में। अच्छा। ये तो हमने अपना डिस्प्ले वैसे ही लगाया हुआ है। होलसेल प्राइस क्या देंगे अगर ज़्यादा? वो नाज़रीन को भी बताओ कि अगर कोई ज़्यादा पीस ले तो उसको होलसेल मिलेगा, अगर एक ले तो फिर जो इस वक्त कहते हैं, अभी तो माशाल्लाह हमारा सामान कराची में फंसा हुआ है। अच्छा। दुआ करें जल्द से जल्द निकले। जो लास्ट टाइम इस गन की कीमत थी ना, वो थी कहते हैं 750, जो नीचे ली थी ना वो थी 650 की थोक में। सही है। होल सेल प्राइस आ रहा हूँ ये 220 रुपये का कहते हैं, ये पोस्टर था, इसका साइज होता है 2 फुट 3 फुट। अच्छा, ये मटेरियल कौन सा है उसमें गन में? ये मेटल है? नहीं, मेटल नहीं है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक है, मेटल में फिर होता है वो लकड़ी और कहते हैं मेटल होता है वो, फिर तकरीबन कह लें कि 1000+ में आ जाती है। इसके अलावा इधर जी ये आती है, ये भी कहते हैं वो, ये चाइना शीट है। अच्छा, ऊपर ये गोल्डन शीट है। अच्छा, इसके ऊपर बकायदा डाई लगी है, अब आपको हाथ फेरेंगे ना तो आपको बकायदा शीट महसूस होगी भी। अच्छा, कि ये शीट भी हमसे इस तरह की मिल जाएंगी, इसको वैसे हम कहते हैं गोल्डन शीट। अच्छा, इसकी प्राइस क्या है? ये वैसे जो शीट है ना, ये 200 रुपए की शीट है। अच्छा, अहमद भाई और साथ जो लगे हैं ये सारे, ये देख रहे हैं ये कलमा शरीफ लिखा हुआ है, ये कलमा लिखा हुआ है, तिल्ले का है, इसको तिल्ला वर्क कहते हैं। अच्छा, ये 95 रुपए का इस वक्त पीस है। कितने का? 95 रुपए का, सिर्फ 95 रुपए का, खाली कपड़ा 95 रुपए का। वैसे जो फ्रेम है, नहीं आप ओवरऑल फ्रेम ही बता दें, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे कस्टमर्स हैं जो जिनको पीसेस चाहिए, कुछ होलसेल रेट पे भी लेना चाहिए। हमने इसको फ्रेम लगाया ना, मैंने इसको बनाया हुआ है 14-18 अंदर से, 14-18 साइज। अच्छा, तो इसकी कीमत इस वक्त 700 है, जो उसके ऊपर वाला चीज है इसको ये भी कहते हैं वेलवेट के ऊपर इम्बोज हुआ हुआ है। सही हो गया, वो कढ़ाई हुई हुई है, वो इम्बोज हुआ हुआ है, उसकी कीमत भी 700 है। 700 सिर्फ 700 रुपए में नाज़रीन आपको मिल रहा है। ये मेरे ख्याल से ऑनलाइन आजकल काफ़ी ट्रेंड चला हुआ है, काफ़ी लोग सेल आउट कर भी रहे हैं, लोग ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से ऑनलाइन बहुत ज़्यादा महंगा है वो तो। नहीं नहीं भाई जान, अब हमारा काम थोक है तो हमने कीमत मुनासिब ही रखनी है, अगर ज़्यादा बताएंगे फिर वो गाह भी खराब हमारा।
होता है, ठीक हो गया। ये ऑयल पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग, वाओ जबरदस्त। ये थोड़ा सा नाज़रीन को ज़ूम करके दिखाते चलें तो वाकई ही महसूस होगा ऑयल पेंटिंग बड़ी बड़ा ट्रेंड है। इसको कहते हैं नाइफ स्टॉक, क्या बात। ये खाली पेंटिंग का वजन आधा किलो है। अच्छा, ये हमने इतनी इसमें मोटी इसको बनाई हुई है। हाँ, अगर आप चाहें इसको शीशे के बगैर लगाने में, अगर हम शीशे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि आपकी कभी कोई डल डुल इस तरह कोई मसला मसाइल नहीं आएगा। तो ये कितने का है भाई? ये वजन 8,000 की। हाँ, अगर आप इसमें फ्रेम को ये कहते हैं, ये इसको कहते हैं इटालियन टेक्चर वाला। अच्छा, ये भी चाइना की मॉडलिंग है। अगर आप इसको मेटल वर्क, ये लेजर वर्क सारा हुआ हुआ है। दरअसल इसके आगे शीशा, इसको और शीशा लगा हुआ है, इसको फ्रेम बनाया हुआ है। अगर ये मेटल है पूरा, पूरा बाकी मेटल है, साइडों पे जो कवरिंग, ये लेजर कटिंग हुई हुई है, ये लेजर इसको बोलते लेजर, लेजर कटिंग हुई हुई है। जो इसके अंदर खाली ये पीस है ना, ये लोगों ने खाली 10,000 का लगाया हुआ, मगर हम ये मुकम्मल फ्रेम हम 10,000 का दे रहे हैं। आयतल कुर्सी है जी, ये आयतल कुर्सी लिखी हुई है। इसकी रेट क्या है अहमद भाई? ये हमने 10,000 की लगाई हुई है, 10,000 की खाली हमने मुकम्मल फ्रेम बनाया हुआ है इसको। अच्छा, लोगों ने तो वैसे ही इसको खाली सिंगल ये पीस 10,000 का लगाया होता है। अगर आप कहीं से कटिंग करवाने जाए ना, तो एक्रेलिक में भी आपको काट वो क्रेलिंग 7-8,000 की भी कहते हैं काटते हैं। ये फोम वर्क है, ये भी हाथ का काम हुआ हुआ है, हैंड पेंटिंग है ये, सही है, हैंड वर्किंग है ये। इसकी प्राइस क्या है? ये सिर्फ 1400 की है, सिर्फ 1400 रुपए जी। 1836 साइज है, ये देखें, ये सिर्फ 1400 रुपए की आपको मिली है। इसके अलावा ये आ जाता है, ये भी आयतल कुर्सी में है, ये मशीन में है। हाँ, ये मशीन है, चाइना गोल्डन शीट है, और ये इसको हम किताब कहते हैं, गोल्डन किताब। अच्छा, गोल्डन किताब। इसकी प्राइस? ये 1500, सिर्फ 1500 रुपये में। ऊपर आ जाते हैं ज़रा, ये ऊपर है कलमा शरीफ है फिर, और इसकी प्राइस? ये कलमा 2000 का है, ये चाइना की बहुत शीट है, जो ऊपर है वो भी लेज़र कटिंग हुई हुई है। अच्छा, और इसके अलावा ज़रा वो भी बताते चले, थोड़ा सा वीडियो भी लॉन्ग लेंथी, तो ज़रा बताते नाज़रीन को इनके प्राइसेस के बारे में। ये जो कहते हैं, ये जो ये चीज़ है ना, ये लेज़र कटिंग हुई हुई है, डबल प्लाई पे है। इसकी कीमत सिर्फ 1800 है। अच्छा, सिर्फ 1800 इसकी, इसकी आगे जो ये वही गोल्डन किताब है, इसकी कीमत 1500 है। तो वो ये लेड वर्क है, ये भी मुकम्मल हाथों काम हुआ हुआ है। अच्छा, इसकी कीमत सिर्फ 1500 है। ये आयत लिखी हुई है जी? हाँ जी, ये शिफाली आयत है, ठीक हो गया। इसकी ये बाबे का है, ये मुकम्मल तिले का काम हुआ हुआ है। ये 8,000 का फ्रेम है। ये 8,000 का है जी सर, सही हो गया। इसमें मटेरियल कौन सा यूज है भाई जान? ये वेलवेट है, वेलवेट के वो का मुकम्मल तिले का काम हुआ हुआ है, सही हो गया। और ये अंदर जो चैन है गोल्डन शीट है, सही हो गया। तो ये कितने का बताया? 8,000 का। इसमें छोटा साइज भी आता है, उसकी कीमत कम हो जाती है। नसीन, आपने आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि काफ़ी अच्छी खासी प्राइसेस हैं माशाल्लाह इनकी, अपनी जो है ना प्रोडक्शन है, मतलब ख़ुद तैयार करते हैं। आपको मज़ीद दिखाते हैं, ये देख लें आप, पीस आपके सामने हैंड पेंटिंग है, इसमें दूसरी पेंटिंग आ जाती है, मशीन पेंटिंग है सारी, और इसके अलावा जो ऑयल पेंटिंग है वो भी 3D में। तो आपको ये चीज़ें सारी मिलेंगी ज़बरदस्त प्राइसेस के साथ। और आपको एड्रेस वगैरह भी भाईजान बता देते हैं कि किसका, अगर आप आना भी चाहें तो किधर? हमारी न्यू अनारकली में दुकान है, लाहौर जी, पान गली के सामने ही है। और जो रॉ मटेरियल का जो भी